भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां एक और भारत के युवाओं को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए स्वरोजगार प्रारंभ करने के लिए बढ़ावा दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हनियादाना क्षेत्र के कुछ भ्रष्ट अधिकारी ऐसे युवाओं को हतोत्साहित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। पूरा मामला मध्य प्रदेश में वो तीसरे पंचायत और जनपद चुनाव के समय का है, जब खनियादाना तहसील प्रांगण में एक छोटी सी चाय की गुमटी चलाने वाले युवक द्वारा दूर दूर से आए अधिकारियों और कर्मचारियों की सुस्ती दूर करने के लिए चाय बनाकर अपना छोटा सा धंधा चलाया जा रहा है, जिसके लिए चुनाव समाप्त होने के बाद आज यह युवक अपने हक का पैसा मांगने के लिए दर दर भटकने को मजबूर हो गया है। युवक का कहना है कि तहसील कार्यालय द्वारा जनपद सीईओ को युवक के हक का पैसा देने के लिए आरक्षित भी कर दिया गया है, लेकिन जनपद सीईओ राम प्रसाद गोरसिया युवक के पैसे देने की एवेज में उससे 5,000 की रिश्वत की मांग कर रहे हैं। एक छोटी सी चाय की गुमटी लगाने वाला युवक भी इस भ्रष्ट अधिकारी से अछूता नहीं, तो अब अंदाजा लगा सकते हैं कि अधिकारी 101 ग्राम पंचायतों में किस तरह ईमानदारी के साथ अपना काम कर रहा होगा। ज्यादा जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि इस मामले में सीएम हेल्पलाइन पर भी शिकायत की गई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और शिकायत को बिना शिकायतकर्ता के सहमति के बंद कर दी गई, जिसका शिकायत नंबर 1684-3985 है। भगवान दास जी, क्या मामला है आपका? सीओ साहब चाय के रुपए नहीं दे रहे। सीओ साहब चाय के रुपए नहीं दे रहे? ये चाय उन्होंने पी है कैसे? उन्होंने बोला था कि ये चुनाव चल रहा है, आप कर्मचारियों के लिए चाय पिलाओ, पेमेंट हम आपका बाद में कर देंगे। चुनाव के टाइम पे आपने चाय पिलाई है सभी को? हाँ। जिसका पेमेंट वो नहीं कर रहे हैं? वो नहीं कर रहे हैं, और मैंने उनसे बोला कि मेरे पैसे दे दो, चुनाव हो गया। बोले पहले 5,000 रुपए ले आओ आप, उसके बाद हम पूरा पेमेंट कर देंगे आपका। आपने कहीं पे शिकायत की है? शिकायत मैंने 181 लगाई थी, तो उन्होंने रद्द करवा दी है। कितना रुपए लेना है आपको? मेरे लिए 16,900 रुपए लेना। तो उसमें कितने रुपए मांग रहे हैं? 5,000 रुपए मांग रहे हैं। 5,000 रुपए एक्स्ट्रा मांग रहे हैं अलग से? उसके बाद पेमेंट कर दीजिए।